अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर क्रिप्टो मार्केट से हमें मसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड ली जा सके। सो गाइस, इसी के साथ आज इस वीडियो में मैं दो आपसे अहम खबरें शेयर करने वाला हूँ। एक कि पाई नेटवर्क यहाँ पर क्या बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है, और दूसरी न्यूज़ के CPI रिपोर्ट से रिलेटेड अभी मार्केट में जो कल रात से लेकर अब तक रूमर्स हैं कि BTC के प्राइस इंतहाई गिर सकते हैं, इस पर मैं आपसे एक डिटेल बात करूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट में हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस मजबूत हो रही है, BTC डोमिनेंस इस बढ़ते हुए सरमाए के साथ भी मजबूत हो रहा है, लेकिन आर्ट कॉइन में थोड़ी सी हमें यहाँ पर कमी महसूस हुई है उनके प्राइस के अंदर। गाइस, यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में 60 से 70 डॉलर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, और यही इसके दरमियान समझ लें रोटेशन कर रही है, और इथेरियम के प्राइस में भी कुछ खास हमें कमी या इजाफा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अपनी सपोर्ट को दोनों टोकन इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फार अवे काफ़ी दूर रहकर, ये नहीं है कि बिल्कुल एज ऑफ द क्रैशिंग पॉइंट खड़े हों। आगाज़ करेंगे दोस्तों सबसे पहले BNB से, और रही बात BTC और इथेरियम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की और नेक्स्ट 12 आवर की परफॉर्मेंस की, वो मैं वीडियो की लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर दोस्तों BNB की जो परफॉर्मेंस रही इन 12 घंटों में वो थी यहाँ पर 273.80 से 277.4 पे, यानी कि करीब 4 डॉलर की ट्रेड BNB ने यहाँ पर जनरेट की। सपोर्ट थी 268 से 280, 268 से 280 डॉलर की सपोर्ट थी। अब की मार्केट में दोस्तों इसकी जो सपोर्ट होगी वो है 269 से 280। ये एक लेवल होगा मार्केट के लिए, आने वाले तकरीबन 12 घंटों में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको क्लियर करता चलूं कि कल रात से लेके अब तक मुसलसल पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या पाई नेटवर्क का जो टोकन है वो यहाँ पे बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है, असल में इसकी हकीकत क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मार्केट में टोकन्स की अपडेट, BTC की अपडेट के साथ साथ आपसे कोई ना कोई मार्केट में चलता हुआ एक क्यास, एक रूमर और एक बकवास जो चल रही हो वो भी आपको बताता चलूँ। तो दोस्तों ये एक स्टिकर मैंने आपकी स्क्रीन पर चला दिया है, ठीक है। अब ये किया क्या है आर्ट डिज़ाइनरों ने, ठीक है। अब आर्ट डिज़ाइनिंग इतनी कोई बड़ी बात नहीं रह गई, हम जिस दौर में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ChatGPT तक मार्केट में आ चुका है, जिसके ऊपर मैं आपको सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उसे भी समझ के अर्निंग कर सकें कि आप ChatGPT से अर्न कैसे कर सकते हैं। अच्छा, खैर ये एक अलहदा मौजू है। अब उस पर जाकर के यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है, बाकायदा तौर पे एक स्टिकर तैयार किया गया है इमेज का, और वहाँ पे पाई प्राइस लगा दिए गए हैं। बाइनांस की ही स्टिकर की बाकायदा डिज़ाइनिंग करके यूट्यूबर यहाँ पर लोगों को पागल बना रहे हैं कि जी पाई नेटवर्क में, जो पाई नेटवर्क है वो बाइनांस पे लिस्ट हो चुका है। अब आप जाकर गूगल करके देखते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। आप बाइनांस को हंगाल मारते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर उन्होंने उसके प्राइस भी लगा दिए कि बाइनांस ने उसको 67 डॉलर से आज लिस्ट कर दिया है। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। पाई नेटवर्क का भी अपना मेन नेट मार्केट में नहीं आया। मैं तकरीबन पिछले 10 दिन से अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं कि जिस टोकन का भी मेन नेट मौजूद नहीं है तो उसको बाइनांस क्यों लिस्ट करने लगा, उसके प्राइस क्यों। तो लिहाजा ये जो स्टिकर वीडियो की स्क्रीन पर मैंने आपकी तसल्ली के लिए चलाया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेल्फ डिज़ाइनिंग है, और आज डिज़ाइनिंग का ऐसा दौर आ चुका है कि आप किसी के धड़ के ऊपर किसी की भी गर्दन लगा सकते हैं। तो फिर ये एडिटिंग और वर्ड ऐड करके किसी कॉइन को किसी पे लिस्ट करके सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लोगों को परेशान करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। सो गाइस, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों को मार्केट में रिसर्च करने के बजाय, मैं कहता हूं कि ठीक है यूट्यूब पे जाके आप वर्क करते हैं, आप चीज़ तलाश करते हैं, लेकिन कम से कम किसी ऐसे बंदे को फॉलो करें जो कम से कम ऐसे थंबनेल लगाकर आपका दिमाग ख़राब ना करे। सो गाइस, BNB की मैंने आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो आपसे मैंने शेयर कर दी मैक्सिमम। अभी हम देख रहे हैं कि XRP 37 सेंट का हाई लगा कर आया है इस मार्केट में। इसके प्राइस में दोबारा से हमें कमी देखने को मिल सकती है 34.60 की, और वही इसकी आने वाले वक्तों की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। इस मार्केट में दोस्तों मैंने मैटिक की आपसे सपोर्ट शेयर की थी 0.85 की, ठीक है, और इसने लो लगाया है दोस्तों 0.8460 का, और अभी आप देख सकते हैं अगर हम 0.85 से भी एंट्री लेते हैं मार्केट में तो हाई रहा 0.8625 का, यानी कि हमें एक अच्छी पॉलीगॉन मैटिक ने इस मार्केट में ट्रेड दी है। दोबारा से हम इसे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे 0.8490 से। मैटिक का ये एक नेक्स्ट 12 आवर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। अब बात करते हैं एलटीसी की, जिसे हमने 81.60 पर बाय करना था, ठीक है। 81.60 पे बाय इसकी हो गई और हाई इसने लगाया $84 का। अच्छा, $81 का जो मैंने आपको लेवल बताया ये इससे भी नीचे जा चुका था, लिहाजा आज सुबह एलटीसी ने करीब $3 की आपको प्रॉफिट दिखा है। तो दोबारा एलटीसी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है 81.82 यानी कि 82.30 से। 82.30 इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और इस मार्केट की, याद रखिएगा, मौजूदा मार्केट की ये सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली मार्केट की अगर इसकी सपोर्ट देखें तो वो स्टिल $66 के करीब है, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट हमें जेहन में रखनी होगी ताकि 3 स्टेप ऑफ बाइंग हो सके। सोलाना में दोस्तों जो आपसे सपोर्ट शेयर की गई थी 15.95 की, तो सोलाना ने उसे अबूर किया और हाई रहा 16.10 का, लिहाजा ये 10 सेंट की एक ट्रेड सी ना होने के बराबर। दोबारा सोलाना आपको लो दे सकता है गाइस 15.90 का और 15.80 का। 15.80 इसकी एक सपोर्ट है आज की मार्केट की और एग्जिट होगी 16.40। शिबाइनू का वॉल्यूम दोस्तों आज के दिन थोड़ा सा हमें स्टक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपनी ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू रखेगा 5.65 से लेके 5.65 से लेके $6 तक। और अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑटम की। ऑटम की सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 10.90 की और ऑटम का लो रहा दोस्तों 11.05, 15 सेंट का गैप रहा और हाई रहा 11.30 का। फिर से 30 से 25 के दरमियान ये रेजिस्टेंस दे रहा है। स्टिल ये मार्केट में दोस्तों $11 से 11.40 तक का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देता हुआ मिलेगा। चेन लिंक की फिर से वही सपोर्ट रही $6 से 6.15, लेकिन मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 6.30, तो अभी हम इसे 6.05 या 6 से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ईटीसी को दोस्तों ऐड करेंगे, उसकी सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 20.10, ठीक है, और ईटीसी ने उससे भी नीचे लो लगा दिया 19.52 का, लेकिन अभी इसकी रिकवरी हमें जो है कि अभी स्टक दिखाई दे रही है, मतलब हमारे पास उस वक्त ईटीसी की बाइंग मौजूद है 20.10 की। तो ईटीसी 13 सेंट उससे नीचे जा चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट आज रिकवरी करती है, तो इसके अंदर काफ़ी हद तक साइन मौजूद हैं अपने आप को दोबारा से $23 से $24 पे लेकर के जाने का। और जितना भी अभी मार्केट में अभी स्लो देखने को मिल रहा है, इसकी वजह मैं अभी आपसे आगे चल करके शेयर करने वाला हूँ प्राइस एनालिसिस पर। क्वांट की और एलडीओ की बात करेंगे गाइस। एलडीओ की हमारी यहाँ पर जो मिडनाइट की बाइंग थी वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन हमने इसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो यहाँ पर बाई किया है वो है 1.90, 1.95, तो अभी हम उससे 4 से 5 सेंट की कमी में है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आपसे सिग्नल शेयर किए गए तो एलडीओ ने $2 का हाई लगा दिया, उसके फ़ौरन बाद आफ्टर दैट वो डाउन करना शुरू हो गया। तो इस वक्त एलडीओ की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है मार्केट में और ये डीप कनेक्टेड है इथेरियम के साथ, याद रखिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं इसी मार्केट के अकॉर्डिंग क्वांट की। 19 की हमने इसकी बाइंग करनी थी क्वांट की और यहाँ पर हमारे पास इसने $2 की फिर ट्रेड दी है। नेक्स्ट मार्केट के लिए क्वांट को 118.90 पे ही यूटिलाइज किया जा सकता है, 118.90 या चलें आप $119 भी इसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। सो गाइज, इसके साथ अब बात करेंगे हम यहाँ पर डैश की, जिसकी हमारी सपोर्ट आपसे शेयर हुई थी 48.10, 48.10, और डैश ने यहाँ पर जो अब तक का हाई दिया है वो है 48.76, मतलब 66 सेंट की ट्रेड हुई यहाँ पर डैश टोकन के अंदर। सो मौजूदा मार्केट में जिस तरह हम पंप करते हुए आप थोड़े से स्टक हुए हैं, 60, 70, 80 सेंट के दरमियान ट्रेड रहेगी। अभी आप डैश से हेल्प ले सकते हैं बहुत अच्छी से 47.60 से 47.60 का जो लेवल होगा डैश टोकन का, वो मार्केट में आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों यहाँ पे नियो की जो न्यू सपोर्ट है वो है 1.6.45 से 6.90। अब यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा से अपने पंप से आगाज़ करती है मार्केट का, तो डेफिनेटली नियो जो है आपको 7.45 का हाई लगाता हुआ मिल सकता है। अभी एक अच्छा वक्त है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़े से अपने एनालिसिस भी ऑन करने होंगे, क्योंकि जब मार्केट अचानक से अपना रुख बदलेगी तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि हमने अगर पहले से बाइंग करके रखी होती थोड़ी बहुत तो हमें फ़ायदा होता। अब बात करते हैं दोस्तों ओपी की। ओपी टोकन की रात से लेकर अब तक परफॉर्मेंस 1.25 ही रही, 1.25 पे ये स्टक है और नो डाउट आफ्टर द लॉन्ग टाइम ये $1 से निकल के इस लेवल पे आया है, तो अभी ये वहाँ पर काफ़ी मजा हुआ बिहेवियर दे रहा है। मिडनाइट में दोस्तों आपसे जो बाइंग शेयर की गई थी वो नेटवर्क की, वो थी 0.1719, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ने उसके बाद थोड़ा सा हाई दिया सिर्फ एक वक्त के लिए 18.30 का, और उसके बाद से ये थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन ये टोटल गेनर की लिस्ट में इस वक्त मौजूद है। किसी भी वक्त ये थोड़ा सा पंप करके आपको आपकी अपनी जो अमाउंट है वो तो रिकवर करेगा, डेफिनेटली आपको आगे के लिए भी फ़ायदा दे सकता है। सो इस मार्केट में जो दोस्तों अहम तरीन टोकन है जो किसी भी लेवल पे जा कर के आपको अभी फ़ायदा दे सकता है मौजूदा मार्केट में, वो LTC होगा। और अब बढ़ते हैं जल्दी से न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, ये वो न्यूज़ थी जो मैंने मिडनाइट में आपसे शेयर की थी, ठीक है, जिसका सिर्फ मैंने एक 10 से 20 सेकंड का हवाला दिया था और आपसे कहा था कि मैं सुबह आपसे इसको तफसीलन शेयर करूंगा, क्योंकि मिडनाइट में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिर्फ मार्केट के सिग्नल जो है मैक्सिमम जो आपके फ़ायदे के लिए साबित हो सके वो शेयर करूं। यहाँ पर जर्म पॉल जो हैं वो जो इस वक्त अनाउंसमेंट मोस्टली करते हैं और सेनेटर भी हैं USA के, वो जब इन्फ्लेशन के बारे में इस दफ़ा जो एनालिसिस शेयर करेंगे नए साल के, ये पहले एनालिसिस होंगे, काउंट तो दिसंबर के ही होंगे, तो उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ मार्केट में आई है कि वो कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करके मार्केट को गिराया जाए। ये वो न्यूज़ थी जिसका हवाला देकर मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर रेडी रह सके। ये देखें इस कैंडल चार्ट को यहाँ पर क्यों शेयर किया गया है, क्योंकि ये कैंडल चार्ट पिछले तकरीबन 6 दिन से मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है और बता रहा है कि BTC ने किस तरह 17,450 तक के लेवल को छू लिया। आगाज़ इसकी जो एंट्रेंस वो बताई जा रही है दोस्तों वो 16,880 है। अच्छा, अब ये 16,880 से 17,400 का लेवल इसलिए कंप्लीट हुआ कि गोल्ड उधर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी और US की तमाम खबरों ने ये बात साबित कर दी कि वहाँ पे इन्फ्लेशन अब रुकने वाली नहीं है। अब ये क्या करने वाले हैं कि इसी तरीके से, इसी तरह से BTC को कंट्रोल करेंगे, मार्केट को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज इस खबर के नतीजे में ऐसा कोई रिजल्ट आ भी जाता है कि पॉल की जो न्यू पॉलिसी होगी, ठीक है, वो कोशिश करके अगर इसे थोड़ी देर के लिए फ्लैट करके नीचे भी ले आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंसी है वो इस वक्त तक खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जाहिर बात है जो उनका अपना बैंक है उसको अगर पीछे से कोई बंदा कंट्रोल करेगा मिसाल के तौर पे और उनको हुक्म देगा कि भी आपने जो रिजर्व्स हैं, फेडरल रिजर्व है, और जो उसकी पॉलिसी है उसको आपने हमारे मुताबिक यहाँ पे ओपन करना है, तो जाहिर बात है फिर इंडिपेंडेंसी किसी भी इदारे की ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये दुनिया के हर मुल्क में ही ऐसा देखने को मिलता है। सो वक्ती तौर के लिए BTC को कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके कोई इतने ज़्यादा चांस मार्केट में मौजूद नहीं है। लेकिन हमें इसे अपनी एनालिसिस के तौर पे, अपनी ट्रेड के अंदर रख कर सोच कर आगे चलना होगा। पंप आ जाता है मार्केट में, कौन सा इंसान होगा जो खुश नहीं होगा? सारों की बतीसी खुल जाएगी, जी मार्केट पंप कर गई, 18,000-19,000 पे चली गई, लेकिन अचानक इसको नीचे गिराया गया US मॉनेटरी पॉलिसी को दरमियान में रखते हुए, तो फिर काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, मिडनाइट टू नाउ यानी कि रात से लेके अब तक BTC प्राइस अपनी जगह पे ही खड़े हैं, लेकिन $60 का इसने एक मरतबा लो लगाया। फुल डे कैंडल चार्ट पे हम आए हैं दोस्तों BTC के। आप देख सकते हैं कि बार बार एक पिन बिरिश कैंडल बन रही है, लेकिन मार्केट को बुलिश होने से नहीं रोक पा रही, जिसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा 1, 2 एंड 3, लेकिन हर एक पिन बिरिश के बाद एक पंप आता है। अब देखें हम अगर इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये देखें 4 कैंडल पिन बिरिश, 1 कैंडल पिन बिरिश, फिर 3 बुलिश कैंडल, फिर 1 पिन बिरिश, और अभी भी हम BTC के कैंडल चार्ट में यहाँ पर जो फुल डे कैंडल चार्ट है इसमें पिन बिरिश कैंडल बनते देख रहे हैं। ये देखें दोनों तरफ से इसके प्राइस ओपन है, यानी कि BTC यहाँ पर $200 नीचे भी आ सकता है और 200 से 300 प्लस भी कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज CPI रिपोर्ट को सिर्फ यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं 1 दिन और 6 घंटे बाकी रह गए हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा स्टक और बढ़ा है और कैंडल भी हमें कुछ वैसा ही मैसेज दे रही है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे और यहाँ पर हमारा जो मजीद इमेज है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, 4 आवर कैंडल चार्ट में हम पिछले 4-4 घंटे की 3 कैंडल देख रहे हैं, जिसमें मार्केट में थर्ड लास्ट कैंडल के अंदर आप यहाँ पे बेरिश कैंडल देखेंगे हैमरहेड के साथ और फिर एक सपोर्ट। अब हैमरहेड ने मार्केट को $200 एक मरतबा नीचे फेंका था और उसके बाद से मार्केट सपोर्ट में है। अब मार्केट की इस वक्त की हालत के मुताबिक ये जो 12 घंटे की पोजीशन है, याद रखिएगा दिस इज़ आई एम टेलिंग अबाउट फॉर 12 आवर 12 घंटे की, नॉट फॉर द वीक, नॉट फॉर अ मंथ। अच्छा, नेक्स्ट 12 आवर के लिए BTC के लिए जो लेवल बहुत ही अहम है वो दोस्तों है 17,195, 17,195 का लेवल मार्केट को मजीद स्टक कर देगा। ठीक है। लेकिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो आज 6:30 बजे स्टार्ट होगा पीएम यानी कि पाकिस्तान के शाम के बजे 6:30 बजे, उससे पहले मुझे ऐसे लगता है कि $200 तक का बीटीसी में एक पंप आ सकता है। ये मेरी एक ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं पूरी तरह। यानी कि 17,650 पे अगर बीटीसी आज पहुंच जाता है मतलब सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, तो आल्ट कॉइन के प्राइस में दोबारा से एक पंप आएगा। अच्छा, अब आल्ट कॉइन जो कि गिर गए हैं, देखें सोलाना 16.80 तक पहुंचा हुआ था, 16 पे आ गया। यूनिस्वैप $6 पे पहुंचा हुआ था, 5.70 पे आ गया। तो मार्केट की कैपिटलाइजेशन तो वही है। स्ट्रॉन्ग क्या हुआ है? बिटकॉइन की डोमिनेंस फिर से चलना शुरू हो गई है, जो 39 पे चली गई थी एक टाइम पे, 38.80 पे चली गई थी, अब वो दोबारा 39.20 पे आ गई है। बीटीसी मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? आल्ट कॉइन चलना शुरू कर देंगे, यानी कि सब के अंदर आपको एक वॉल्यूम जनरेट होता दिखाई देगा। जितने भी टोकन $6 के हैं, 6, 5, 3, 2, इनके अंदर 40 से 60 सेंट का पंप आएगा। कहाँ पर? जब बीटीसी 17,650 पे जाकर के अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है। 17,650 का मतलब ये होगा कि इसके बाद मार्केट जो है अगली तैयारी करेगी, और वो कल का दिन होगा कि अब क्या सूरत हाल बनती है। सो क्रैश के लिए 17,195 पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि आफ्टर दैट आल्ट कॉइन गोइंग बैडली क्रैश। इसके दरमियान जो टोकन आपको हेल्प दे सकते हैं उसमें फिर से मैं आपसे शेयर करूँगा मैटिक, LTC, क्वांट और आपकी मार्केट में दोस्तों ATOM। ये 4 टोकन आपको एक हेल्प दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानब इथेरियम के प्राइस में $8 की मजीद रेजिस्टेंस बढ़ी थी, यानी कि इसका कैपिटल जो था वो बड़ा था, अब दोबारा से वो डाउन कर गया है। फुल डे कैंडल चार्ट में इसकी कैंडल सेम बीटीसी की तरह यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। टॉप के अंदर पिन बेरिश कैंडल बन रही है, जिससे इथेरियम जो है 12+ और 12- के दरमियान चल रहा है मुसलसल, और हम इसे काइंड ऑफ स्टक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी 4 आवर की कैंडल बीटीसी से मुनफरिद है, बहुत ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि 4th लास्ट कैंडल अगर हम देखें तो इनके शेडो तो अपर साइड पे हैं, क्योंकि इथेरियम ने एक मरतबा 1347 तक के हाई को टच करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट दोबारा डाउन कर गई। अब यहाँ पर पाँव के अंदर एक हैमर हेड बन रही है। हैमर हेड जब फुट पे बनती है दोस्तों इक्वालिटी के तौर पे भी, तो मार्केट में थोड़ा सा पंप आता है। तो आज के लिए जो इथेरियम का पंप होगा दोस्तों वह 1355 1355 पे इथेरियम की रेजिस्टेंस चाहिए 30 मिनट की। इथेरियम हमें 1380 का हाई दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लो की। लो के लिए सबसे जो इसकी वीकर जोन है वो है दोस्तों 1308। 1308 का लेवल इथेरियम को दोबारा से 1280 का लो दिखा सकता है आज की मार्केट में। और इथेरियम अगर लेट्स सपोज 1315 पे भी आता है तो उस वक्त LDO, ETC, ENS और फ्लो, इन चारों टोकन में बड़ी कमी आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि इथेरियम लीड करता है इन टोकन को, तो ये टोकन इसे ही देखकर जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन इथेरियम गिरता है तो ही आप इन टोकन में लो की ट्रेड के तौर पे इनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।